6:53 और हमें इतना टाइम लग गया कराने में। राजमार्ग मुंबई दुर्त मार्ग की यार, ये तो मस्त वाला है यार, एकदम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 14 लेन बनी है। तो ये रहा दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे, और इतना ब्यूटीफुल सनराइज होते हुए बढ़िया वाला मुझे यार ऑसम। और फिरोजपुर झिरका 68। तो अब जाके बड़े वाला गुड मॉर्निंग और हैप्पी छोटी वाली होली। कौन सी वाली? हैप्पी छोटी वाली होली। अच्छा, हम जा रहे हैं जयपुर से आगे पुष्कर, और ये वाकई में बहुत अच्छा एक्सप्रेसवे है, मतलब आपको आना ही चाहिए। अगर आप जयपुर जा रहे हो, पुष्कर जा रहे हो, मैं तो कहता हूँ मुंबई भी जा रहे हो ना, रोड से ही पकड़ के चलेगा। और आगे देखो क्या व्यू, अद्भुत। मैं तो चाह रहा था कि सनराइज इसी रोड पे हो, पर ऑलमोस्ट कह सकते हो कि बाय जस्ट छोटा सा मार्जिन ही मिस किया है। टाइम देख लो, 7:14 और ये माइलेज हम रेगुलरली बढ़ाते बढ़ाते हैं। बड़ी मज़ेदार रोड है, उधर और ज़्यादा सनराइज होते हैं। वहाँ देखो यार, उधर ना ऐसा लग रहा है जैसे धुंध पड़ी है। भाई बहुत बढ़िया काम किया हुआ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सच में दिल खुश कर दिया। अभी तो पहुँचा नहीं है, अभी तो चढ़ने में इतनी खुशी हो रही है ना, और देखते कितने सेकंड में कटता है। हाँ, घुसते ही कट जा रहा है, देखो घुसते ही जस्ट। मेरे को एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी यहाँ पे ना, मतलब HR 3 पलवल, फिरोज झिरका 4-5, राजस्थान 1 अलवर। तो ये चीज़ बड़ी यूनिक सी लगी, मैंने पहली बार देखी तो मैंने कहा आपको बता दूँ। ये कुंडली, ये वाला पलवल कुंडली है, KMP वाला, वो रोड जा रही था उधर। और यहाँ पे देखो स्पीड लिमिट भी 130 कर रही है, और ये यहाँ मुंबई से 1200 रहेगा। और सच में ऐसा लग रहा ना कि यहाँ से गोवा भी जाना हो ना किसी को, तो भैया यहीं से चले जाओ। पहाड़ी। इस रोड पे ना बस पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ ही थी शुरू में, जब हमने पार किया तो लेफ्ट साइड में पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ थी और अभी इस साइड में पहाड़ियाँ। हाईवे पे ये रहता ना कि गाड़ी स्पीड में चलती है, क्रूज पे चल रही है हालांकि, पर 100 के आसपास जब चलती है तो गाड़ी बहुत धीरे धीरे ऊपर आती है माइलेज। स्ट्रेच 8:37 हो गए। एक्चुअली खाने पीने का तो यहाँ पे कहीं पे कुछ है नहीं, और ये
इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत है यहाँ पे भाई। यहाँ पे ना अपना पराठे बना के ले आओ घर से, रोटी ले आओ, चिप्स ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, कुछ भी ले आओ, पर यहाँ पे नहीं खा सकते भाई। आधे रेस्टोरेंट तो बंद है, बीच में बहुत जगह से खाने पीने के, पर मतलब इतना उम्दा रास्ता है ना, मतलब मथुरा वाले हाईवे से अगर गए हुए हो, मथुरा गए हो, मथुरा वृंदावन, तो उससे उस इसमें बहुत फ़र्क लगेगा ही, मतलब फ़र्क ये लगेगा कि जो ये जो लेन्स है ना, 1, 2, 3, 4, 5, पीछे का 6 भी थी, 6, 7 थी बेसिकली, 6, 12 लेन ऐसे है ये वहाँ पे, वहाँ पे नहीं है, मतलब मथुरा वाले रोड पे नहीं है, यहाँ पे 10 लेन है। तो बेसिकली इतनी चौड़ी है कि आप एकदम लेफ्ट वाली लेन में चल रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बीच में भी चल रहे हो तो मतलब मैनूवरेबिलिटी बहुत आसान रहती है। नहीं तो उसमें तो ये लगता है कि आपके से चिपक चिपक के लोग 120, 30, 40, 50 की स्पीड में भागते लोग, इसमें ऐसा लगेगा नहीं। आप गाड़ी को आराम से क्रूज पे डाल दो और सीनिक ब्यूटी के आनंद लो और धीरे धीरे आप पहुंच भी जाओगे। से सुबह कार्ड में लिखा है SSB। भरतपुर का कट पीछे जा चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अब सीधा सीधा जयपुर। अब देखते हैं वहाँ से कहाँ तक हमें जाना है, कहाँ पे उतरना है। अपना फाइनली कट जयपुर आना क्या गया था ना जयपुर के लिए, हमें जाना है उस साइड, तो यहाँ से ऐसे लेके ऐसे घूम के, तो ये पहला कट है यहाँ जाना है, मुझे सीधा जाना है वो दो तरह का देखते कितने का कटते हैं भाई साहब। इंस्टेंट कट गया नहीं कट गया, बड़ी जल्दी कट गया। हम वो ऊपर से आ रहे थे एज यूजुअल प्राणी, दिल्ली वापस जाना है तो दिल्ली ऐसे चढ़ जाओ, नहीं तो ऐसे जाओ सीधा सीधा जाओ। Sort of.